तो सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये थोड़ा सा बताइए। अरे जी, स्वागत है आपका भी मेरे फार्म पे। फार्म का नाम है मेरा महालक्ष्मी गोट फार्म जी, पाथेड़ा गांव, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा जी। जी, और हम आज बात करेंगे, बहुत से लोगों का सवाल रहता है, शायद आपसे भी रहता होगा, कॉमेंट भी आते हैं कि बकरी पालन से लोग ना हताश हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बकरी पालन का क्रेज कम होता जा रहा है। बिल्कुल, युवा जो नए किसान हैं वो कहीं ना कहीं बकरी पालन से पीछे हट रहे हैं। तो क्या कारण है, कहाँ कमियां रही है, किसान की कमियां है या ट्रेडर की कमियां है या उनकी कमियां हैं, वो सब बताएंगे आज आपको। तो सर मेरा सबसे पहला यही सवाल है, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक पकड़ा हुआ है कि जितना हम इसमें फार्म जल्दी जल्दी खुलते देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा फार्म बंद हो रहे हैं। गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो 90% जो है फेलियर रेट है, केवल 10% सक्सेस रेट पे है। भैया हरी जी, मेरे एरिया में अगर मैं आपको बताऊं, महेंद्रगढ़ जिले में जी साल में 100 फार्म खुलते हैं। मान लो आप 2023 में 100 फार्म नए ओपन हुए और 2024 में हम जाते हैं ना उसी महीने में, तो सिर्फ 10 फार्म रहते हैं, बाकी 90 बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या रीज़न है सर, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कहाँ चूक हो रही है, किस तरीके से प्रयास किया जाए, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा तो है नहीं कि मुनाफा नहीं है। डे बाय डे मार्केट तो बन ही रहा है और डिमांड बढ़ती ही जा रही है, फिर भी कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है या हमारे किसानों से चूक हो रही है। तो आपके संपर्क में जो लोग हैं है ना, उनसे आपने क्या अनुभव किया? भाई आप पिछले 6 से 7 सालों से लगातार काम कर ही रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि एक के दिन के लिए भी आपने भाई बकरियां फार्म से हटी हों, हमेशा कंटिन्यू रहा है। तो इतना लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, तो क्या चीज़ एनालाइज करी आपने? मैं दोनों चीज़ करता हूँ हरीश जी, ब्रीडिंग सेटअप भी और ट्रेडिंग भी, तभी हमें पूरा मार्केट का तभी पता लगता है। बिल्कुल, आप ब्रीडिंग करते रहेंगे तो आपको मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं होगी, ट्रेडिंग साथ करोगे ना मार्केट मंडी सबकी नॉलेज रहेगी आपको जी। पहले है ना, फार्म फेल होने के 5 कारण थे 2018-19-20 तक की बात करें हम, लॉकडाउन से पहले। एक तो लोगों को नस्ल का चयन अच्छी का नहीं करते थे, फिर कौन सी नस्ल कौन से एरिया में सूटेबल है उसका नहीं पता था जी। डॉक्टर की सुविधा नहीं होना, चारे की सुविधा नहीं होना। आज बकरी पालन है ना बहुत आसान हो गया है, लेकिन फिर भी लोग है ना बकरी पालन से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, उसका मैं आपको बताता हूँ कारण, कि आज के जो नए किसान हैं, नए युवा हैं जो बकरी पालन में आ रहे हैं या नए फार्म वो बना रहे हैं जी, उनका फेल होने का सबसे कारण है, सबसे बड़ा कारण है आज के वो पुरानी जो कमियां थी वो तो रही नहीं। डॉक्टर अवेलेबल हो जाते हैं, दवाई व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाती है, ऐसी ऐसी सुविधाएं कि दवाई आपको कहीं से भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी जी। आप व्हाट्सएप के ग्रुप है उनसे सलाह भी ले सकते हैं, आप अपना सवाल पूछोगे उससे पहले 10 जवाब आ जाएंगे उस बीमारी के या उस समस्या के बारे में। लेकिन अब जो युवा है वो फेल कहाँ हो रहे हैं, वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे 3 लाख महीने की नौकरी छोड़ के किया बकरी फार्म, एक बकरी कमा के देती है साल में 1.5 लाख रुपए, और विदेश से आके किया गोट फार्मिंग और सालाना कमा रहा हूँ करोड़ों। ये जो टॉपिक है ना, ये जो उनके दिमाग में भर गए हैं, इनकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। नॉलेज पहले भी था एक कारण, कि नॉलेज के कारण फार्म फेल होते थे, वही नॉलेज वाला कारण तो आज भी बना हुआ है। वो देख लेते हैं सोशल मीडिया पे और बकरियां खरीद लेते हैं। बकरियां खरीदने के बाद जब वो इसमें जाते हैं ना, तब पता चलता है कितना टफ काम है। अब किसी ने, आप ये देख लीजिए, मैं मेरी बताता हूँ, मैंने 22,000 की नौकरी एक प्राइवेट बैंक की छोड़ के बकरी फार्म किया था, तो मेरा तो सही है। अगर मुझे 3 लाख रुपये महीना मिल रहा है तो क्या मैं बकरी पालन करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। ये लाइव स्टॉक है, इसमें 24 घंटे आपको यहाँ रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और वहाँ सिर्फ 8 घंटे काम करना है। ये बात मेरे को तो लगता है जचने वाली है नहीं, कि भाई आप 3 लाख महीने का छोड़ के और बकरी फार्म कर रहे हैं या बकरी पालन कर रहे हैं जी, आप विदेश से आके यहाँ बकरी पालन कर रहे हैं। हाँ, इतने का पैकेज था, फला का पैकेज था, मैंने इतने सालाना में करोड़ों रुपए। अच्छा, फिर इससे बड़ी जो युवा है ना, फंस कहाँ रहे हैं जाके? 10 बकरी से सालाना कमाता हूँ मैं 25 लाख, 15 बकरियों से कमा रहा हूँ 50 लाख, वहाँ फंसते हैं। समझते हैं नहीं कि भाई वो क्या बोलना चाह रहा है। अब मान लो आप कोई नया किसान है, वो वीडियो देख रहा है कि भाई 10 एक बकरी 1.5 लाख रुपए कमा के दे रही है साल में, 10 बकरी 15 लाख हो गई, तो मैं तो 3 साल में 1 करोड़पति बन जाऊंगा, बकरियां बढ़ा लूंगा। वो समझते नहीं है बात को। मैं मेरी बताता हूँ कि मेरे फार्म पे ना 20 बकरी परमानेंट रहती है ब्रीडिंग सेटअप के लिए, और 10-15 से बकरियां मैं रखता हूँ ट्रेडिंग के लिए। अब मेरे यहाँ नवंबर से 30 बकरियां थी,
30 बकरियों से मैं बताता हूँ आपको कि मैंने 50 बच्चे लिए नवंबर से, और आप ये समझो मई जून तक। अब 30 बकरी के 60 बच्चे बनते थे, मैंने 50 ही बच्चे लिए। 10 बच्चे मेरे पास पहले बैच के थे, नवंबर से पहले बैच के, यानी बड़े जी जी। अब वो युवा क्या सोचते हैं कि 30 बकरियों से दो दो बच्चे देंगे 60 बच्चे आएंगे, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे, 50-45 मेरे पास 50 आ गए, हो सकता है किसी के पास 45 भी आ जाए, 40 भी आ जाए। उनका मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्या सोचा था कि बच्चे सेल नहीं करेंगे, बकरियां सेल करेंगे, जिससे मैंने ब्रीडिंग वाली कुछ बकरियां सेल कर दी। अब वो बच्चे मैंने सेल किए 60 बच्चों को, मैं बता देता हूँ आपको, 60 बच्चों में से 15 बच्चे ऐसे थे जो 30,000 से 50,000 की रेंज में बिके हैं। आप उनको मान के चलो 40,000 की बीच की पकड़ लो, तो 6,00,000 के हो गए। पीछे जो बच्चे 60 में से 45 बच्चे, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे तो 10,000 से, मतलब 15,000 से 30,000 की रेंज में बिके, और जो पीछे और बच्चे बच गए वो 10,000 में बिके। अब युवा क्या करते कि सोच लेते यार एक बच्चा 50,000 का बिक रहा है, 10 बकरियों के 20 बच्चे हो गए हमारे तो 10,00,000 बिल्कुल यहाँ मार खाते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक किसान को मैं देख रहा हूँ कि एक बकरी साल में कमा के देती है 1.5 लाख रुपए, अब कैसे कमा के देगी आप बताओ। वो बता रहा है कि मेरी बकरी 5 लीटर दूध देती है और 3-3 बच्चे देती है। उसी का मैं बता देता हूँ, बकरी आपको कौन सी भी ब्रीड की रखो, 100 रुपए से ज्यादा प्रतिदिन आप उसका दूध नहीं बेच सकते। अगर वो 5 लीटर दूध देती है, 3 बच्चे, तो 2.5 लीटर तो बच्चों को चाहिए, बच गया 2.5 लीटर जो आप सेल कर रहे हो दोनों टाइम का, तो वो 40 रुपए लीटर से ज्यादा का ही दूध नहीं है, 100 रुपए का हुआ। 100 रुपए का दूध आप महीने में पर डे बेच रहे हो, तो महीने में हो गया 3,000 का। अब जाहिर सी बात है जो बकरी 5 लीटर दूध और 3 बच्चे दे रही है, वो 40 रुपए पर डे में खड़ी नहीं रख सकते आप उसको। अच्छा। उसको रोज का खर्चा होगा 100 रुपए। अगर 100 रुपए बकरी खाएगी तो महीने में 3,000 का खा जाएगी दूध, तो उसका 0 मान लो आप। अब जो बच्चे बच गए, अगर वो मीट पर्पज से कोई ऐसी ब्रीड है जैसे जखराना होगी, सिरोही होगी, जो मीट पर्पज के लिए, दूध के लिए भी है, लेकिन दूध तो हम उसका 0 मान लिया, उसके बच्चे बिकेंगे 10-30 हज़ार के, 14 महीने में 2 बार बच्चे देगी, 30 और 30 60 हज़ार के, आप कहाँ से लाओगे 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल। और नया युवा ये सोच के चलता है कि भाई एक बकरी 1.5 लाख दे रही है, 10 बकरियों से तो मैं 15 लाख कमाऊंगा। और एक दूसरा ट्रेंड और चला हुआ है, लोग क्या करते हैं कि एक किसी के पास 15-20 बकरियां हैं, एक बच्चा क्वालिटी वाला आ गया और वो 1,50,000 रुपए का बिक गया, उसी को गोद में उठाए घूम रहे यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 से 15-20 बकरियां हैं तो सभी ब्रीडर लेवल के बच्चे देती हो, कुछ ही बकरियां हैं जो ब्रीडर लेवल के बच्चे देती हैं। अब मेरे पास है एक बकरी जो मैंने 50,000 की खरीदी थी, अब उसने 2 बच्चे दिए मेल फीमेल, लेकिन वो मेरे पास एक ही बकरी है। अब मैं उसी को उठाए फिरूं कि भाई ऐसे ऐसे 1,00,000 के बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ मार खाते हैं लोग। अच्छा। दूसरा क्या करते हैं कि जब बकरी पालन का चयन करते हैं ना, बकरियों का चयन करते हैं, तो आप मान के चलो 10,000 वाली बकरी को आप खरीद रहे हो, क्वालिटी में ना, क्वालिटी में बताऊं तो आप अगर 50% क्वालिटी में बकरी खरीद रहे हो, तो ब्रीडर उसको 100% क्वालिटी का चाहिए। बिल्कुल। तब रिजल्ट आएगा, क्योंकि बकरी का है, बकरी खेत है, उसको तो उसमें बीज डाल दिया, अब अच्छा बीज डालोगे तो अच्छी फसल आएगी, और कमजोर बीज डालोगे तो कमजोर फसल आएगी। मतलब बकरी के हिसाब से आपको बकरा जो है, बकरा डबल क्वालिटी में चाहिए आपको, बकरी आप 70% क्वालिटी में ले रहे हो तो बकरा 100% क्वालिटी का चाहिए। जी जी, बकरा पूरी क्वालिटी का होना ही चाहिए, होना चाहिए, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अब ये लोग देख तो लेते हैं कि भाई वहाँ वो बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो जाके उसके फार्म को विजिट करके देखो कि 30 बकरियां हैं, ब्रीडर वही है, तो कितने बच्चे क्वालिटी वाले आए हैं। अब सभी बकरी तो ब्रीडर पैदा कर नहीं सकती, बकरे तो कर सकती है लेकिन ब्रीडर नहीं कर सकती। जो आपके ब्रीडर लेवल के बच्चे आएंगे वही तो अच्छी रेट में जाएंगे, बिल्कुल, बाकी तो नॉर्मल 10 से 15 हज़ार में बिकने हैं, वो बिकेंगे वो बकरी का पेट खर्च ही निकलेगा। बिल्कुल। इसी चक्कर में आ रहे, अब वो इस झांसे में तो फंस रहे हैं कि भाई 1.5 लाख रुपए बकरी कमा के दे रही है, 5 लीटर दूध दे रही है, वो ये नहीं देख पा रहे कि 5 लीटर दूध वाली बकरी खा क्या रही है। हम उसको 1,200 रुपए महीने में नहीं रोक सकते, अगर रोकोगे तो फिर वो दूध नहीं देगी, दूध नहीं देगी तो फिर वो दूध वाली इनकम चली जाएगी। इस तरह लोग झांसे में फंस रहे हैं। जो नए जो युवा हैं उनको देखना चाहिए फार्म विजिट करके, किसी पुराने फार्मर से समझना चाहिए, क्वालिटी वाली बकरियां 100% क्वालिटी वाली लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो महंगी आएंगी। बिल्कुल। 100% क्वालिटी का उस पर ब्रीडर लगाएंगे तो बच्चे तो 100% क्वालिटी आने हैं, 150-200% तो कोई क्वालिटी है नहीं, 30-40 से 50% तक की क्वालिटी की लेनी चाहिए बकरी। बिल्कुल। किसी अच्छे ब्रीडर से प्रेग्नेंट,
शुरुआत में आप इसी हाँ, से काम करें, उसी से काम करें। जी जी, अच्छे ब्रीडर से हम अगर प्रेग्नेंट बकरियां लेते हैं हाँ, हाँ। तो वो उनके पेट में बच्चे आ रहे हैं उस ब्रीडर के, 10 बकरी लेते हैं तो 5 बकरी तो क्वालिटी वाले बच्चे देंगी। उसके बाद हमें किसी अच्छे ब्रीडर का ही बच्चा लेना है उनके लिए 8 से 10 महीने का, ताकि आगे वो हमें ब्रीडिंग दे सके, हमारी बकरियां ब्याएं, बच्चे दे, दोबारा हिट पे आए तो वो ब्रीडिंग दे सके। तो कहीं ना कहीं इसमें सोशल मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, वही दिखा जैसे एक ये मतलब होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है और लोग अभी भी अपनी जो बुद्धि है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं कि यह चीज मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। भाई आप किसी जैसे बहुत सारे पोस्ट ऐसे देखने हमें मिलते हैं जहां पर जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आप ग्राउंड पर जाकर देखिए ना, आप किसानों तक पहुंचिए ना, आप किसानों तक जब पहुंचिए तो फिर आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है। क्योंकि बकरी पालन पहले वैसा था, आज भी वैसे ही है, बस आपको थोड़ा सा और भाई साइंटिफिक अप्रोच की तरफ से जाएंगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। भाई अब अगर हम ध्यान दें कि बकरियां हम एक कंपाउंड में रख पा रहे हैं, सारी सुविधाएं हमारे घर पर आ रही हैं हाँ। समय समय पर हम वैक्सीन करा पा रहे हैं, उसकी उपलब्धता बराबर बनी हुई है, तो ये चीज़ें जो है साइंस की मदद से आसान होनी चाहिए तो और क्रिटिकल होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा पहलू तो कमज़ोर है ना भाई। ये जो मैं बताया आपको कि पहले से बकरी पालन अब आसान है हाँ। हर चीज में आसान है जी, दवाई लगा लीजिए, वैक्सीन लगा लीजिए, उपचार लगा लीजिए हाँ हाँ। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं फायदा भी कर रही है बिल्कुल, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज्यादा कर रही है हाँ। ये क्या है, समझने का फर्क है बिल्कुल, कि हम जो क्या दिखाया जा रहा है उसके पीछे के वास्तविकता क्या है हाँ। अब जो बकरी मान लो लाख लाख रुपए के बच्चे दे रही है, उसको किसान क्यों बेचेगा? लाख रुपए में बेच के क्या करेगा? वो साल में 2 लाख के बच्चे दे देगी, और बकरी जो की त्यों खड़ी है, और वो उससे 10-15 साल तक ब्रीडिंग लेता रहेगा, क्यों बेचेगा? तो वो युवा इसी जासे में आते हैं कि भाई हम बकरी ये लेंगे तो ये लाख के बच्चे देगी। अरे लाख के बच्चे देगी तो वो अपने पास ही रखेगा, बेचेगा क्यों? आप एक बार लाख रुपए उसके हाथ पे रखोगे और आप तो निकल जाओगे, और वो बकरी खड़ी रहेगी तो वो हर साल लाख रुपए उससे कमाएगा। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही। अब मैं सुनता हूँ जखराना बकरी से 1.5 लाख रुपए की कमाई, सिरोही बकरी से सालाना 1 लाख रुपए की कमाई, तो हमने जो ये सोजत हैदराबादी गुलाबी इतनी महंगी ब्रीड रखी हुई है, इसमें तो फिर करोड़ों में कमाई होनी चाहिए एक बकरी से। जरूर जरूर करोड़ों में होनी चाहिए। हकीकत तो अलग है ना भाई हाँ। हकीकत तो यही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में ना लोगों की ये बहम डाल रखा है कि ट्रेनिंग के बिना आप बकरी पालन नहीं कर सकते। आप ट्रेनिंग के लिए कहीं भी जाओ, ट्रेनिंग के लिए लोग क्या करते हैं, नियर बाई को गोट फार्म देख लेते हैं, वो प्राइवेट ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो जो ब्रीड उनके पास है ना वो उसी की सलाह देंगे, वही बताएंगे। तोतापुरी वाला बोलेगा आप तोतापुरी ले लो, इसमें फ़ायदा है। सोजत वाला बोलेगा सोजत ले लो। युवा क्या करते हैं, जो नए किसान है वो ये भूल जाते हैं कि भाई मैं कहाँ कहाँ हूँ और ये फार्म कहाँ कहाँ है, और मेरे एरिया में कौन सी ब्रीड है वो सूटेबल है, मैं सिरोही मेरे एरिया में काम देगी कि नहीं, सिरोही जो चारा खाती है वो चारा मेरे यहाँ मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल, हर क्षेत्र का अलग भूसा होता है, अलग चारा होता है, दाना भी अलग होता है। वो ये भूल जाते हैं कि यार यहाँ तो ये सेट है, सही है, क्या ये मेरे एरिया में भी सेट होगी जी? ये सर्च करते ही नहीं है। मेरे पास ट्रेनिंग आते हैं बहुत, मैं बोल देता हूँ, मैं सर्टिफिकेट बना के नहीं दे सकती, प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अब कोई आके मेरे को बोल दे कि भाई तोतापुरी ब्रीड मेरे को चाहिए, तो मैं यही बताता हूँ कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आपके क्षेत्र में कामयाब है। ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती मैंने सोजत थोप दी कि सोजत ले जा, वहाँ मार खाते हैं भाई। आज जो आप मार्केट आपने बनाया, ये पिछले 6 सालों की रगड़ से बना है हाँ। रोज उतनी उनके साथ मेहनत करनी पड़ी है, तो जो आप अपने लेवल पे भाई बच्चे बेच पा रहे हैं, या आपके पास ऐसे बकरियां हैं जो ऐसे बच्चे दे रही हैं जो क्वालिटी में आ रहे हैं, तो वो इन 6 सालों की मदद से। अब कोई चाहे कि आज के आज ही सब मैं सीख लूं और कल से मैं भी उसी, यही है जो युवा है ना उनको मतलब धैर्य नहीं है जी, वो हथेली पे सरसों उगाने वाली बात है हाँ, कि आज ही देखो ऐसा हरीश जी की बकरी पालन के बारे में ना शुरू से ही हाँ, ये हमारे दिमाग में फिट किया गया है कि बकरी में बहुत मुनाफा है, बहुत मुनाफा है, और बकरी है ना 5 रुपए सैकड़ा 10 रुपए का ब्याज उतार देती है, करोड़ों आप कमा सकते हैं आप करोड़ों, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए 2.5 साल का, 1000 दिन का। 1000 दिन युवा रुकता नहीं है, वो तो एक साल में ही तामझाम समेट के और बोलता है गुड बाई, ये अच्छा काम नहीं है, लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। अब किसी भी फार्मर से उसने बकरियां ली है वो उसी को गालियां देगा, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है जी जी, तो किसी ने भी दियो, क्यों उसको पता ही नहीं है मेरे को कैसे रखनी है। दूसरा चीज ट्रेनिंग के लिए जाते हैं,
दस दिन की ट्रेनिंग कर ली, बकरी आपको क्या खाती है सिखा दिया, कैसे रखी जाती है वो सिखा दिया, बीमारी से कैसे बचाई जाएगी वो सिखा दिया। अब जो नया किसान है उसने बकरी को रखना सीख लिया, खिलाना सीख लिया और जिंदा रखना भी सीख लिया जी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी उसका सीख लिया, लेकिन समस्या वहां आती है मार्केट, उसके बच्चे बेचेगा कहा वो, उसने ये तो न ट्रेनिंग में कोई सिखाएगा न कोई बताएगा, वो उसको खुद समझना है फार्म टू फार्म जाके कि भाई मैं अगर मार्केट मेरे पास बकरियां आ गई और बकरियां आने के बाद बच्चे आ गए तो उनको सेल कहाँ करना है, और सेल मतलब ये थोड़ी है कि हमने खटीक को दे दिए मटन में दे दिए, उनको अच्छे रेट में भी तो बेचना आना चाहिए ना, कि भाई मेरे वहाँ बच्चे आ गए तो उनको खरीदेगा कौन जी। बिल्कुल, हमें मान के चलो आपने, मैंने आज 1,00,000 रुपए की बकरी खरीद ली और मेरे ब्रीडर से प्रेग्नेंट करवा ली, 1,00,000 रुपए की बकरी मैं मानता हूँ 1,00,000 रुपए के बच्चे देगी, लेकिन 50,000 का खरीदार कौन है बच्चे का। सही बात, हर आदमी तो उसको खरीद नहीं सकता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और आ गया मेरे पास बच्चे क्वालिटी वाले आ भी गए तो 50,000 का मैं खरीदार कहाँ से लाऊंगा। सही बात, जैसे मुझे 6 साल हो गए, मुझे पता है कि क्वालिटी वाला बच्चा है, इसकी ये कीमत है, तो इसका खरीदार वो है, वो आएंगे, वो इसको पसंद करेंगे, वही इसकी क्वालिटी को समझेंगे। लेकिन जो नए किसान आते हैं, अब उनको मैं बता दूं ये बकरी 1,00,000 रुपए की है, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है ये, वो तो वही जाएंगे 25-30 हज़ार वाली बकरी पे, क्योंकि नया आदमी है शुरू करना चाह रहा है तो उसके मन में एक डर भी रहता है कि भाई चलेगा या नहीं चलेगा, मैं कामयाब हूँगा या नहीं हूँगा, तो थोड़े बजट की बकरियाँ ले लेता हूँ। अब ये युवा क्या करते हैं कि ये सुन के सोशल मीडिया पे क्वालिटी वाली 1,00,000 रुपए की 10 बकरी ला के छोड़ दी इन्होंने, क्वालिटी वाला ही ब्रीडर ले लिया इन्होंने, बच्चे भी क्वालिटी वाले पैदा हो गए लेकिन फिर ग्राहक हो गए, तो फिर हम बकरी पालन किसके लिए कर रहे हैं जब बच्चों की हमारी सेल ही नहीं है। अब 1,00,000 रुपए वाली के बकरी के बच्चे आप 3-3 महीने के 10,000 में बेच रहे हो खटीक को, तो फिर कहाँ से बकरी पालन होगा। आप 1 साल में फिर वो यही बोलेगा यार छोड़ो अच्छा काम नहीं है। तो मेरा तो यही है, जो नए किसान युवा है ना उनका ये कहना कि आप ज्यादा से ज्यादा तो फार्म विजिट करें, बकरी पालन की क्या सच्चाई है उसको समझे, कैसे होता है। ये नहीं है कि भाई आप बता दिया कि इसमें कुछ काम ही नहीं है या आसान काम हम कर सकते हैं, किसी पुराने फार्मर के पास जाएं उससे कुछ नॉलेज लें। बकरी आप खरीदने जा रहे हो तो पूछ लो आप किसी से कि भाई मेरे एरिया में कौन सी नस्ल है वो सूटेबल है और कौन सा चारा मेरे एरिया में अवेलेबल हो सकता है, तो क्या उस चारे में वो ब्रीड रुक सकती है, ब्रीडर का चयन मुझे कैसे करना है, कौन सी बकरियां मुझे लेनी है जिससे मुझे फायदा हो। बिल्कुल, मैं तो बताता हूँ खुल्ला कि बकरी ऐसी चीज है जिसमें कभी नुकसान नहीं देती, आप कौन सी ब्रीड की भी पालो जी मुनाफा हर बकरी देगी, लेकिन जो है कि आदमी को शॉर्ट टाइम में ज्यादा मुनाफा चाहिए, खर्चा भी उतना ही लगे मेहनत भी उतनी लगे, लेकिन जो हमारा इनकम है ना वो 5 गुना हो जाए, होती भी है, लोग करोड़ों कमाते भी हैं। अब मेरे से ही आपने पूछा था कि भाई आपके पास 20-30 बकरियां हैं, आप कितने बच्चे पैदा करते हो, रेट का मैंने खुला बता दिया, 15 बच्चे 50,000 के हिसाब से बिकते हैं, 15 बच्चे 20,000 के और 15 बच्चे 10,000 के हिसाब से, 30 बकरियां 45 से 50 बच्चा पैदा करती है, 14 महीने में आप ये मान के चलो 100 बच्चे पैदा होते हैं, हम 30 की मान के चलें 100 बच्चों के तो 30 लाख हो गए, लेकिन टाइम देखो 14 महीना, फिर खर्चा क्या है मेरे फार्म का, मैं बताता हूँ 50,000 रुपये खर्चा है महीने का, 30 बकरियां अमूमन 1,200 से 1,200 रुपये का खाती है, 36,000 हो गया, 10,000 मेरा लेबर का हो गया, 46,000, 4,000 वैसे भी खर्च हो जाता है, 50,000 रुपये जो आदमी खर्च कर रहा है हर महीने, साल के 6 लाख हो गए, तो क्या वो 18,00,000 रुपये नहीं कमाएगा। बिल्कुल जरूरी है बनता है। उसके ऊपर मेरा दूसरा सवाल खड़ा होता है लोगों का कि आपने बता दिया खुल के कि भाई 9 लाख के बच्चे 6 महीने में आ गए, 7 महीने में 9 लाख के बच्चे अगले 7 महीने में आ गए, तो आपके 18 लाख हुए, फिर आप वो 25 लाख वाले क्यों बोलते हो कि सालाना मैंने 25 लाख 20 से 25 लाख रुपए कमाए। उसके पीछे कमाने का भी बहुत है, युवा यहाँ भी मार खाते हैं कि भाई वो महालक्ष्मी वाला बोल रहा था कि मैं 30 बकरियों से 25 लाख कमाता हूँ, वो ये नहीं पूछते आप कमाते कैसे हो, ये नहीं ये पूछ लेते हैं कि बच्चे आपके कैसे सेल होते हैं, कितने रुपए के सेल होते हैं, लेकिन जो 18 लाख से और जो बाकी इनकम बच गई 7 लाख वो कहाँ से आती है वो पूछते नहीं है कोई, और वहाँ मार खा जाते हैं। हाँ। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करता हूँ बकरियों का, बताता हूँ मैं कि लूंग पत्ती का आज भाव है 3,000 रुपये कुंटल यहाँ पहुँच, और मैंने ली थी 1,600 रुपये कुंटल जी, आज डबल रेट है। हाँ। मैंने स्टॉक कर लिया 3 गाड़ी, आज डबल रेट में बेच रहा हूँ। मान लो मैंने आज 5 लाख की लूंग पत्ती स्टॉक की थी नवंबर दिसंबर में, आज वो 10 लाख की हो गई, 5 लाख तो मेरी इनकम है, 19 लाख उधर मिल गए, 5 लाख लूंग पत्ती में मिल गए, 24 लाख हो गए, बच गया 1 लाख। अब 1,00,000 रुपये तो आदमी ऑनलाइन ट्रेडिंग, एक महीने में 5-7 जानवर
बिक जाते हैं, वहाँ से भी कमा सकता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से अगर कोई भी काम करता है तो अच्छा काम आज भी कर सकता है, बकरी पालन में आज भी स्कोप है। बस ये है कि भाई आपको पेशेंस रखना है और सही तरीके से अपने आप, ये नहीं है कि आप बकरी पालन में करोड़पति नहीं बन सकते, करोड़पति भी बन सकते हो। मैंने देखा था एक वीडियो, मेरे वीडियो पे एक वीडियो हमारे लोकल यूट्यूबर ने बनाया था, तो एक फार्मर से पूछ रहा है क्या बकरी पालन में करोड़पति बन सकते हो, बोला नहीं कभी नहीं बन सकते। अच्छा। मैं देता हूँ खुला हिसाब, मेरे पास आ जाओ, छह साल हो गए मुझे, जिसमें से 2-2.5 साल तो मैंने नॉलेज लेने में निकाल दिए, जो मेरी इनकम है वो तो 3-3.5 साल की है। मैं देता हूँ, मेरे से पूछो आके, अलग अलग हिसाब देता हूँ आपको, बाकायदा मैं सरकारी आपको रजिस्ट्री के कागज दिखाता हूँ जायदाद के, आ जाओ मैंने बनाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। अब उसमें क्या करते हैं, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, झूठ बोलता है, इससे झूठा आदमी नहीं है, और ये तो अंबानी को भी पीछे छोड़ गया। अब बताओ वो अंबानी के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, वो पहले प्रॉपर्टी बनाई हुई उनकी, आज हम उनका, ऐसा नहीं है कि इंसान मुकाबला करके किसी को हरा नहीं सकता, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि आज हम अंबानी के बराबर सेटअप खड़ा नहीं कर सकते, चाहे तो हम इंसान कुछ भी कर सकता है, उनको भी पीछे छोड़ा है जी जी, लेकिन ये है कि तरीका होना चाहिए, तरीका लोग समझने की कोशिश नहीं करते। नहीं नहीं, उसमें फिर अपनी गलती लोगों को कहाँ समझ में आती है। हाँ। अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर फेलियर कहाँ से आएगा, फेलियर कहाँ से आएंगे, दोबारा वो जल्दी रिकवर भी कर सकते। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि वो फिर उस फार्मर को गाली देते हैं जी, फेल होते हैं नॉलेज के कारण, अपनी नॉलेज के कारण, उसको सुधारने की, अपनी गलती को सुधारने की या अपने अंदर जागने की कोशिश नहीं करते, फिर बकरी पालन को बुरा बताएंगे या उस फार्मर को गालियाँ देंगे कि हमें लूट लिया, हमें काट लिया, ये किया वो किया जी। तो एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे भाई? मैं तो ये कहूँगा कि जो नए किसान है ना, वो समझे बकरी पालन को करने से पहले, समझे और सबसे पहले समझे मार्केट को कि भाई मैं ये बकरी पालता हूँ, इसके जो बच्चे आएंगे वो कहाँ सेल होंगे, क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं, बच्चों को बिक्री के लिए तो कर रहे हैं, बकरी की बिक्री के लिए तो कर रहे हैं, उस एरिया में मेरी बकरी सूटेबल होगी या नहीं, किस बकरी का मैं चयन कर रहा हूँ, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आज मार्केट में किसकी डिमांड है, पंजाब में चलती है बीटल, मथुरा में चलती है बरबरी, यूपी में, अब बरबरी को मैं यहाँ ला के पालूंगा तो मैं तो फेल होना ही होना है, बीटल को यहाँ ला के पालूंगा तो फेल होना ही है। आज हम गए थे वहाँ, बात कर रहा था मैं कि मैंने 1 साल पहले बता दिया था कि ये बंदा 1 साल बाद आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो बीटल पे काम कर रहा था। और बिल्कुल, तो इन सारी बातों का ख्याल करते हुए आपको अपना फार्म शुरू करना शुरू करना चाहिए।